सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी शॉप पे खड़े हैं। फार्म आपने हमारी पहले भी वीडियोस में देखा है, मान फार्म्स है जो हमारा घोगड़ीपुर गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो हमारी शॉप है ये मेन करनाल सिटी में है, जहाँ पर हम अपने फार्म का जितना भी दूध होता है उसके प्रोडक्ट्स बना के सेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कैसे हम अपने गाय के दूध को आराम से 60 से 70 रुपए लीटर बेचते हैं, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा हम कमा लेते हैं। तो आइए अलग अलग वैरायटी दिखाते हैं जो हमारी शॉप पे हैं, जिससे हम अपने दूध का एक अच्छी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले इस फ्रिज में दिखाते हैं क्या क्या है। ये फ्रेंड्स देखिए आप, ये फ्लेवर्ड मिल्क है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बटर स्कॉच फ्लेवर। इसके अलावा ये स्वीट लस्सी के पाउच हैं, ये भी स्वीट लस्सी है, ये मैंगो फ्लेवर में है। तो हम काफ़ी तरह के फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट। और ये जितनी भी पैकिंग है सभी 250 ml की पैकिंग में होती हैं और 20 rupees का हम ये पाउच सेल करते हैं। तो 1 liter में ये आपके 4 pouch आराम से बन जाते हैं, जिससे आपका 1 liter 80 rupees का हो जाता है। आप बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगाएंगे तो आपका 70 rupees आराम से आपका मिल्क इस चीज़ में सेल हो जाता है, जो फ्लेवर कॉस्ट है, दूध को बॉयल करने की कॉस्ट है। उसके अलावा ये फ्लेवर्ड लस्सी मैंने आपको बता दी है, ये मैंगो फ्लेवर है। इसके नीचे पनीर है, पनीर फ्रेंड्स हम 320 rupees kg सेल करते हैं। उसके पीछे दही के पाउच हैं आपके 250 grams के और आधा किलो के, हम दही 70 rupees kg अपनी शॉप पे सेल करते हैं। उसके नीचे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो खोए के पाउच रखे हुए हैं, ये सब खोया निकला हुआ है। खोया भी हम पनीर के सेम रेट पर 320 rupees kg सेल करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स और दिखाते हैं शॉप पे क्या क्या है। यहाँ पर हम स्वीट्स बनाते हैं खोए की, ये खोए के पेड़े बने हुए हैं, ये हम 440 rupees kg सेल करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस फ्रिज के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो गाय का घी है। गाय का घी हम सेल करते हैं अपनी शॉप पे, और कुछ गाय का घी इधर भी नीचे रखा हुआ है। बाकी अगर फ्रेंड्स आगे देखें तो दोबारा से ये फ्लेवर्ड मिल्क के पाउच पड़े हुए हैं। इसके अलावा दही है जो हमने पहले भी आपको पैकिंग में दिखाई थी। तो जितने भी हम मेन प्रोडक्ट्स हैं, और आप देख सकते हो ये फ्रोज़न आइटम के प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्स्ट्रा है, सप्लीमेंट्री है। फ्रोज़न मटर हुआ, मकेन हुआ, स्वीट कॉर्न हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सप्लीमेंट्री हैं जो हम अपने शॉप पे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ सेल करते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो ये फ्लेवर्ड आइटम्स हैं, पनीर, खोया, स्वीट्स है, घी है। इन्हीं प्रोडक्ट के दम पर हम अपने मिल्क की काफ़ी अच्छी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ठीक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है और इधर उधर दूध की सेल के लिए भटकना नहीं पड़ता। ये काउंटर भी हमारा काफ़ी साल पुराना काउंटर है और काफ़ी अच्छे कस्टमर्स भी हमारे पास हैं, जिसकी वजह से हमारा फार्म भी अच्छे तरीके से चल पाता है। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जिससे आप अपने जो फार्म के दूध की अच्छी कीमत ले सकते हो। अगर और भी किसी फ्रेंड्स के पास इस टाइप के काउंटर हैं और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।